अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अयान मैसेज। नाज़रीन कराम, जिन्नों में सबसे बड़ा जिन शैतान है, उसका नाम इबलीस है। वो पहले आसमान में रहता था और अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम यानी इंसानों के बाप को बनाया तो फरिश्तों और इबलीस को कहा कि इनको सजदा करो। फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म मानकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो तूने किस वजह से सजदा ना किया। इस पर इबलीस ने कहा, मैं इससे अच्छा हूँ, आपने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू जन्नत से उतर जा, तो इस काबिल नहीं कि यहाँ गुजर करे, तू जलील है। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक के लिए मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा, तुझे मोहलत दी जाती है। शैतान ने फिर कहा, मुझे तो आपने मलाउन किया है, मैं भी इनको सीधे रास्ते से बहकाऊंगा, इनके आगे से और पीछे से, इनके दाएं और बाएं से आऊंगा, और इनमें से कई अक्सर आपका शुक्र अदा नहीं करेंगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील मर्दूद, जो लोग इनमें से तेरा कहना मानेंगे उन सबको और तुझको दोजख में भर दूंगा। नाज़रीन कराम, उस वक्त से शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और ये चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत ना करें, दुनियावी मामलों में मुब्तला रहें, नमाज ना पढ़ें, माँ बाप की फरमाबरदारी ना करें, झूठ बोलें, चोरी करें, कमजोरों को सताएं और परेशान करें, किसी की मदद ना करें, ताकि अल्लाह ताला से की हुई बात को वो पूरा करके दिखाए। मोहतरम हजरात, अगर हम शैतान के कहे में आ गए तो अल्लाह ताला ने भी शैतान से जो वादा किया है वो उसको पूरा करेगा, यानी शैतान और उसका कहना मानने वालों को दोजख में भर देगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त और मददगार है, उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और जो अल्लाह का कहना नहीं मानते और शैतान के दोस्त हैं, उनको वो रोशनी से अंधेरे में ले जाता है, ऐसे लोग हमेशा दोजख में रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हम अल्लाह ताला के दोस्त बनेंगे या शैतान के, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो आज से ही इरादा करते हैं कि अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की रजा के कामों में लगाएंगे, अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। तो मोहतरम हजरात, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।